हम लोग अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का फेजर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। जिनको भी जो प्रॉब्लम होगी वो चैट में लिखेंगे, अनम्यूट नहीं करेंगे अपने आप। रिकॉर्डिंग समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जो है जिनको भी जो प्रॉब्लम होगा आप पूछ सकते हैं। ओके नाउ, हम लोग एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी यानी कि साइनोसॉइडल क्वांटिटीज के रूप में देखते हैं, जो भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ओके एक्चुअली वो प्योर साइनोसॉइडल फॉर्म में होता है, दैट इज आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी लाइक दैट। ओके इस तरह से आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, या जनरल हम लोग रिप्रेजेंटेशन दें देन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है आई एम, वो आपका मैक्सिमम वैल्यू है। ओके ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और फाइव जो है फेज डिस्प्लेसमेंट है। हम लोग यहाँ पे कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो नॉट ओनली फॉर द साइनोसॉइडल क्वांटिटी बट मेनली हम लोग जो फोकस करते हैं वो साइनोसॉइडल पे ही फोकस करते हैं, है ना। तो कोई भी हमारा अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हो, उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के फेजर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। फेजर ओके, अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें फेजर एंड वेक्टर में डिफरेंस, ओके लुक्स लाइक वो आपका सेम है। अगर आप उसको देखेंगे तो दोनों सेम है, दोनों के पास अपना मैग्नीट्यूड है, दोनों के पास अपना डायरेक्शन है, बट इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। जस्ट माइंड इट, आपको जो है ये सारा कॉन्सेप्ट होल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काम दे। ओके नाउ हम लोग यहाँ बात किया वेक्टर, आप जानते हो वेक्टर दैट इज जस्ट ओनली द दोज क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एज वेल एंड ऑल्सो इट फॉलो द, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ऑल ऑफ यू आई थिंक, है ना। बट फेजर, फेजर ओके उसके पास भी डायरेक्शन है, उसके पास भी मैग्नीट्यूड है, ओके वो भी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन हम लोग कोई भी फेजर क्वांटिटीज, कोई भी फेजर क्वांटिटीज को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए हम लोग को एक इक्वेशन चाहिए, एक सर्किट चाहिए। बिना सर्किट का, बिना इक्वेशन का हम लोग जो है ओके हम लोग बिना सर्किट का, बिना इक्वेशन का हम लोग फेजर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सारा सेम है बट बेसिक रिक्वायरमेंट जो आप एक वेक्टर लो सिंपल, ओके ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, आप सी निकाल सकते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ओके यानी कि ए एक वेक्टर है, ये ए, बी भी एक वेक्टर है, अगर आपको बोला जाए कि सी निकाल लिए वे सी इक्वल टू ए प्लस बी, देन दे हैव द इक्वेशन। ओके दे हैव द इक्वेशन, देन हम लोग यहाँ पे क्या किए, ए ली, ये बी ली, ओके और दोनों को ऐड कर दिए, ये हो गया हमारा सी। बट हम लोग जो फेजर रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसके लिए हमारे पास बेसिकली सर्किट होना चाहिए, अतः हम लोग उस सर्किट से इक्वेशन लिखते हैं, अतः हम लोग फेज में रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट नाउ। जैसे हम लोग यहाँ पे फेजर क्वांटिटी में वैसे वैसे फिजिकल क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं जो स्केलर होता है, लाइक द वेक्टर, सॉरी वोल्टेज, वोल्टेज हमारा स्केलर क्वांटिटी है फिर भी उसको फेजर में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी है फिर भी उसको फेजर में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके आप वेक्टर क्वांटिटी में वोल्टेज को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, मतलब उसको वेक्टोरियल साइन देके ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा जो है स्केलर क्वांटिटी है, करंट हमारा स्केलर टेंसर क्वांटिटी एक्चुअली। ओके दैट इज करंट जो है ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, बट हम लोग जब उसका फेजर क्वांटिटी लिखते हैं तब वो ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो करने लगता है। देन दिस इज द वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल टू ऑल अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नाउ अब हम लोग ने बात किया यहाँ पे फेजर रिप्रेजेंटेशन के बारे में, जो आप देखेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। अगर हम लोग फेजर रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं देन जनरली जो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं।
कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो हमारा बहुत तरह का, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास जो है पहला रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, ध्यान से देखिएगा, हम लोग बेसिक से बात करते हुए चले गए। रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन आपको याद होगा, जेड इक्वल टू ए प्लस जे बी, है ना, जेड इक्वल टू ए प्लस जे बी। ओके, जहां पे ए जो है और बी जो है, ए आपका रियल पार्ट है और बी आपका इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इमेजिनरी, ये रियल, ये अगर यहां से यहां तक ए है, ये यहां से यहां तक अगर बी है, देन ये ए ये बी ऐड कर देंगे, ये हो गया जेड, ये हो गया थीटा एंगल, ए है ना हमारा, जेड इक्वल टू ए प्लस बी। जहां पे इसका मैग्नीट्यूड अगर आप लिखते हैं तो सिंपल रियल होल स्क्वायर इमेजिनरी होल स्क्वायर। ओके, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसका जो है आर्गुमेंट लिखते हैं, ओके, आर्गुमेंट ऑफ जेड, देन दैट इज द थीटा। थीटा आप जानते हैं यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओके, बी बाई ए होगा, देन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए। दिस वन, ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन हुआ जो रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। ओके, दूसरा रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या है, वो है पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन आर एंगल थीटा, दैट इज जेड, ये जेड हम लोग यहां उठा लिए, है ना। ओके, ध्यान से देखिए, ये हमारा जेड है, जेड, ओके, ये हमने यहां पे लिखते हैं इसको जेड, इस ये जेड का मैग्नीट्यूड है और ये एंगल थीटा। तो यहां पे मान लेते हैं लेट मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर, देन जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है आर एंगल थीटा, यानी कि मॉड ऑफ जेड एंगल और थीटा इक्वल टू व्हाट, टेन इनवर्स बी बाई ए। आप देखेंगे सारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो सारा एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ओके, थर्ड हमारा जो है, थर्ड वो ट्रिगोनोमेट्रिकल है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, ट्रिगोनोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जहां पे आपका, यहीं से उठा लो आप इसको फिर से, सेम सेम है ये, ये जेड और ये हम लोग यहाँ पे ए लिखे और ये बी लिखे, ये थीटा लिखे, है ना। अब सोचो जेड इक्वल टू ए प्लस जे बी है हमारे, एक हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हम ये लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू ए बाई जेड, यानी कि ए इक्वल टू जेड कॉस थीटा, ये मॉड में होगा हमारा, है ना, लिख सकते हैं। या हम इसके यहां अगर आर दे देते हैं, इट इज आर, ओके, ये आर हो गया हमारा। अब बी, बी के लिए हम लिखे साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू बी बाई आर, देन बी इक्वल टू व्हाट, आर साइन थीटा, इसको यहां पुट कर दिए, देन जेड इक्वल टू ए, सॉरी ए कॉस थीटा आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म है ना। अब यहाँ पे इसको आर को कॉमन ले लो आप, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ओके, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और फाइनली जो हमारा फोर्थ रिप्रेजेंटेशन है वो यूलर्स रिप्रेजेंटेशन और एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन।
अगर आप यहाँ पे इसको देखते हैं यूलर्स और एक्सपोनेंशियल, आप पहले से जानते हैं e to the power j theta equal to क्या होता है, cos theta plus j sin theta, है ना, cos theta plus j sin theta, ये cos theta plus j sin theta के जब हम लोग ये लिख सकते हैं z equal to r e to the power j theta, this one। तो हम लोग आगे जाके जब पावर सिस्टम स्टडी करेंगे, मशीन स्टडी करेंगे या कोई भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर स्टडी करेंगे, इन दैट केस दिस फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट और दिस फॉर्म, ये हमारा तो जनरल हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन की, ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस। नाउ ध्यान से देखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का फेसेस हम लोग फेजर रिप्रेजेंटेशन में करने के लिए क्या क्या करते हैं, जस्ट सी। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट ऐड इन द चैट। ओके, ना आप ध्यान से देखेंगे, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का आप लोग ग्राफ जानते हैं, ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, है ये जीरो, ये पाई बाय टू, ये माइनस पाई बाय टू, ये पाई, ये टू पाई, देख सकते हैं उसी तरह यहाँ पे माइनस पाई माइनस टू पाई, देख सकते हैं, आई थिंक नो प्रॉब्लम। ये देखिएगा, जब हम इस प्रॉब्लम को ही बताएंगे तब कोई भी एग्जाम हो, गेट हो, ईएस हो, जेई हो, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहां पे देखेंगे इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन, बहुत बहुत ज्यादा एप्लीकेशन। तो जस्ट सी, ओके, नाउ कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी ये इसका ग्राफ है, cos ओमेगा टी का, ये जीरो, ये पाई बाय टू, है ना, ये माइनस पाई बाय टू, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। नहीं ना, ना, अब हम लोग इसको जो है राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट बाई पाई बाई टू, इसको पाई बाई टू से शिफ्ट कर रहे हैं राइट हैंड साइड। याद रखेंगे जब भी हम लोग कोई भी वेव फॉर्म को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो उसके फेज एंगल में माइनस साइन के साथ जितना एंगल आप शिफ्ट कर रहे हैं वहां पे माइनस साइन लगेगा। अगर आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो जितना भी एंगल है उसमें प्लस साइन आपको ऐड करके उसको शिफ्ट कर देना। हम इसको यहाँ पे हम लोग प्रूफ करेंगे, है ना, ये प्रूफ हमारा होगा। दस सी, हम लोग राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं, ओके, तो राइट हैंड साइड यानी कि इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये आ गया यहाँ पे, ये इस तरह से, दिस वन, ओके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं
साइन ओमेगा टी माइनस पैरेलल टू से लिख सकते हैं। आप इसको गौर से देखो, जब साइन ओमेगा टी माइनस पैरेलल टू लिखे तो हम लोग इसको जो है माइनस साइन अगर बाहर निकालेंगे तो पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। एंड साइन पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी हमारा क्या है, कॉस ओमेगा टी, यानी कि ये माइनस कॉस ओमेगा टी का ग्राफ, यानी कि ये माइनस कॉस ओमेगा टी का है। ऑफकोर्स ये कॉस ओमेगा टी है, देखो ये कॉस ओमेगा टी है। अगर आप इसमें नहीं दिख रहे हैं, ओके अगर आप इसमें जो है माइनस साइन लगा देंगे तो ये ग्राफ जो है मिरर इमेज बन जाएगा इस तरह से। ओके जस्ट सी ये दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस, बस ये मिरर इमेज है तो वहां पे माइनस साइन लगा हुआ। दिस वन, यानी कि साइन ओमेगा टी को अगर पाई बाय टू से शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि माइनस पाई बाय टू ऐड कर रहे हैं तो माइनस कॉस ओमेगा टी मिल रहा है। वही अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं, बाय पाई बाय टू इधर है ना, दिस वन, तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्टिंग यानी कि प्लस साइन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। और आप लोग जानते हैं पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी में साइन अगर लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, टेल मी एनीवन, वो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, दिख रहा है आपको, वेरी गुड आनंद, ओके कॉस ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी हो गया। अब ठीक इसी तरह इसको भी शिफ्टिंग कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे आर एच एस बाई पाई बाई टू, इसको इधर शिफ्ट कर रहे पाई बाई टू से, तो आर ए टी शिफ्ट करते हैं तो कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये तो किसकी तरह दिख रहा है, साइन की तरह, थैंक यू, ओके हम इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी। आप इसको कैलकुलेट करके भी ला सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ओके। जब आप इसको जो एल एच एस शिफ्ट करेंगे बाई पाई बाय टू से, तब एल एच एस लाइक दैट, यानी कि कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ओके अब देखो इसका मिरर इमेज ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ये इन दोनों का एक दूसरे का मिरर इमेज है ये, नहीं या आप इसको सॉल्व कर लो कॉस पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी, ये लिख दिए हम लोग माइनस साइन ओमेगा टी। यहां तक अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो देन जस्ट टेल मी, यहाँ तक अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो देन जस्ट टेल मी, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दिस इज वेरी बेसिक टू ऑल ऑफ यू, है ना, नहीं है ना किसी को प्रॉब्लम, जस्ट राइट इन द चैट सो डेट क्या मुझे लगे भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है, ओके नो ध्यान से देखिएगा। ये जीरो एंगल आपको पता है जब लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव, जब लोग हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, वेरी गुड, ये प्लस पाई बाय टू, फिर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं प्लस पाई, फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं प्लस थ्री पाई बाय टू,
90 डिग्री हम लोग मूव करते जा रहे हैं। पी प्लस हम लोग जीरो को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π। आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं, वही अगर आप क्लॉक वाइज मूव करो, एंटी क्लॉक वाइज मतलब प्लस, क्लॉक वाइज यानी कि माइनस साइन, है ना, क्लॉक वाइज यानी कि माइनस साइन। तो क्लॉक वाइज हम लोग मूव करें तो इसको लिख सकते हैं माइनस पाई बाय 2 के बराबर। ठीक, क्लॉक वाइज ये माइनस पाई बाय 2 में माइनस पाई बाय 2 ऐड हुआ, ओके, तो ये माइनस पाई। फिर क्लॉक वाइज माइनस साइन और माइनस 3π/2। फिर क्लॉक वाइज यानी कि माइनस 2π। आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। नहीं ना, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं ना वी सी, जस्ट सी। ये कॉस ओमेगा टी हम लोग मान लिए खुद से, कॉस ओमेगा टी। आपको याद होगा अभी हम लोग ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन किए थे और ट्रिग्नोमेट्रिक, जी इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे आर साइन ओमेगा टी, था ना भाई। देन ये हमारा जो है रियल पार्ट, ओके, तो हम लोग सिर्फ रियल पार्ट का यहाँ पे एडवांटेज लेते हैं, और आर साइन ओमेगा टी इमेजिनरी पार्ट, ओके, आर साइन ओमेगा टी इमेजिनरी पार्ट। तो अगर कॉस ओमेगा टी हम लोग, आप रेफरेंस कुछ भी ले लो, दिस इज द रेफरेंस, रेफरेंस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये कॉस ओमेगा टी। अब सोचो इसमें पाई बाय 2 एंगल हम लोग इधर चल रहे हैं, तो इधर चल रहे हैं तो हम लोग एंगल में कितना एंगल ऐड कर रहे हैं, पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2, टेल मी। ये एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रहे हैं, नहीं, जब एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रहे हैं, ओके, तो एंटी क्लॉक वाइज मूव करने के बाद कौन सा एंगल, यहाँ पे हम लोग एंटी क्लॉक वाइज यानी कि कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ए ना, ये कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, देखो पाई बाय 2 प्लस करके पाई बाय 2 कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये क्या है हमारा, टेल मी, माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी, आई थिंक नो प्रॉब्लम। कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 ये क्या है, साइन ओमेगा टी। देखिएगा इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, पहले समझते जाओ। साइन ओमेगा टी, अब सोचो साइन ओमेगा टी में फेस पाई बाय 2 आपका कितना एंगल चल रहा है, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज, ऑब्वियस है हम लोग क्लॉक वाइज मूव कर रहे हैं, तो अगर हम लोग क्लॉक वाइज मूव कर रहे हैं इन दैट केस, ओके, क्लॉक वाइज यानी कि प्लस पाई बाय 2, तो प्लस पाई बाय 2 साइन में, साइन ओमेगा टी में प्लस पाई बाय 2, तो ये क्या आ गया, पर ये माइनस पाई बाय 2 क्लॉक वाइज चल रहा है ना, माइनस पाई बाय 2, तो ये क्या हो गया, माइनस कॉस ओमेगा टी, ओके। तो इस तरह से फाइनली जो हमारे पास कंक्लूजन आ रहा है, ये कॉस ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी, और साइन का उल्टा जो होना चाहिए माइनस साइन ओमेगा टी, और कॉस का जो उल्टा होना चाहिए वो माइनस कॉस ओमेगा टी। आई थिंक नो प्रॉब्लम। ये हम लोग खुद से बनाए है ना, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रोटेट करके, आप इसको साइन मानना चाहते हैं आप साइन मान लो, साइन ओमेगा टी, अब इसके इधर हम लोग घूमते जा रहे हैं तो ये कॉस ओमेगा टी, कॉस के इधर कुछ ऐसी उल्टा कर लो, साइन का इधर माइनस साइन और कॉस का उल्टा माइनस कॉस ओमेगा टी। आपको कोई भी एक सीक्वेंस याद रखना है,
जस्ट टू रिप्रेजेंट द फेजर क्वांटिटीज। फेजर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में अब आपको बेसिक डिफरेंस यहाँ पता चलेगा। वेक्टर क्वांटिटी हैव द फिक्स डायरेक्शन, लेकिन फेजर क्वांटिटी जो है उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। वो डिपेंड कर रहा है कि आप रेफरेंस किसको ले रहे हैं। जिसको भी रेफरेंस ले रहे हैं उसके साथ वो मूव करेगा। जैसे अगर आपने वेक्टर ए लिया है तो ए वेक्टर का डायरेक्शन अगर ये है, ये ए है, तो ब्रह्मांड में यहाँ पे कुछ भी हो जाए, घूम जाए इधर से उधर, वेक्टर ए का डायरेक्शन यही होगा। लेकिन अगर ये फेजर क्वांटिटीज होता तो ये अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है ये इसका डायरेक्शन आगे पीछे ऊपर नीचे हम लोग कर सकते। गॉट इट? हमने इसको आगे पीछे ऊपर नीचे भी कर सकते थे, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना? अभी तक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? नाउ अब ये ऊपर इतना हम लोग समझाने के लिए ये किए थे, फाइनली ये कंक्लूजन लाने के लिए, है ना, ये इसको कंक्लूड करने के लिए, सो दैट कि आप समझ पाओ कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। दिस वन ओके ना। अब कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है हमारा, ओके, अगर उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, देन इट हैज टू बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ कोसाइन फॉर्म और कॉस ओमेगा टी फॉर्म। तो जनरली जो है, इन जनरल आपको जो याद रखना है, इन जनरल ओके, हम लोग यहां पे इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके, आप किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव के फॉर्म, जिसका पोलर फॉर्म जो होगा हमेशा आरएमएस वैल्यू एंगल फाइव, यानी कि आरएमएस वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम आर है तो आरएमएस वैल्यू कितना होगा, आर बाय रूट टू, नहीं आर बाय रूट टू, देन हम इसको लिख सकते हैं आर बाय रूट टू एंगल फाइव। बस ये एक फॉर्म जो आपको याद रखना है, ओके, और दूसरा ये याद रखना, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, बस फेजर रिप्रेजेंटेशन के करिस्पॉन्डिंग जितने सारे क्वेश्चंस होंगे वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, ऑटोमेटिकली, ओके। नाउ अब देखिए आप प्रॉब्लम, अब आपको लगेगा कि इसका इंपोर्टेंस क्या है, ओके, नाउ वी सी। देखिएगा फर्स्ट आई इक्वल टू 20 कॉस ओमेगा टी, इसको रिप्रेजेंट करना आप, ओके, इसमें फेज एंगल कितना है 0 डिग्री, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 20 बाय रूट टू एंगल 0 लिख सकते हैं ना, जस्ट टेल मी लिख सकते हैं, यानी इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन जो है सिंपल ये हो गया, ये हो गया आई, जिसमें ये जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 20 बाई रूट, ओके। नाउ अगर हम लोग को रिपेंड करना था, सपोज बी इक्वल टू माइनस फाइव कॉस ओमेगा टी, सपोज तो माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लोग ये रेफरेंस ले रहे हैं, ये कॉस ओमेगा टी है ना, ये कॉस ओमेगा टी का रेफरेंस है, तो कॉस का उल्टा माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ये माइनस कॉस, सिंपल ये हो गया भी इसको। अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो फाइव कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं, जस्ट टेल मी
लिख सकते हो, ऑफकोर्स कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, है ना। तो अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में, पाई बाई रूट टू एंगल पाई। देखो यहां से यहां तक पाई एंगल है, आपको ये जो कैलकुलेशन करना पड़ रहा है उससे आप बच जाएंगे। इंजीनियरिंग में कंपटीशन क्रैक करना या सेमेस्टर में एग्जाम देना कहीं भी टाइम कंज्यूमिंग बहुत मायने रखता है। तो उस टाइम को कंज्यूम करने से रोकने के लिए हमने क्या किया, एक फॉर्मुलेशन किया और इसके अकॉर्डिंग आप फिगर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्टली जस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द फेजर रिप्रेजेंटेशन। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। नाउ अब सपोज कोई और प्रॉब्लम लिए, आई इक्वल टू 20 साइन ओमेगा टी। ओके, या अभी आप कॉस में लेके चलो, कॉस ओमेगा टी प्लस 45 डी। ओके, दिस देन सो सिंपल, ये कॉस का ग्राफ है, कॉस का रेफरेंस है, है ना, ये कॉस का रेफरेंस प्लस 45, प्लस 45 मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, टेल मी, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, प्लस 45 मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो ये हो गया आई एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसका कोई मैग्नीट्यूड पूछता है तो मैग्नीट्यूड 20 बाई रूट टू, फेज एंगल पूछता है तो फेज एंगल 45 डिग्री, आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं, वही अगर हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं, यहाँ पे वी इक्वल टू 20 कॉस ओमेगा टी माइनस 45 डिग्री। ओके, या माइनस 75 कर दो आप, कोई इशू नहीं है। अब देखो ये कॉस का रेफरेंस था, ये हॉरिजॉन्टल साइन, माइनस मतलब हट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, टेल मी, माइनस मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है ना। ये हो गया भी, जिसमें ये एंगल 75 डिग्री, अगर इसका मैग्नीट्यूड ये चाहिए देन 20 बाई रूट टू एंगल माइनस 75 डिग्री। ओके, कहीं भी अगर मैग्नीट्यूड आपका जो है निगेटिव दिखा रहा हो तो उस मैग्नीट्यूड को फेजर रिप्रेजेंटेशन में हमेशा पॉजिटिव कर ले, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता। तो जैसे यहां था, अब देखो नेक्स्ट, इसको मिटा दूं, रब कर दूं मैं, आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं, नेक्स्ट देखिएगा 5, आई इक्वल टू 10 कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ओके, नहीं उल्टा कर देते, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। ओके, अब सोचो इसको हम ये भी लिख सकते थे 10 कॉस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी इक्वल टू व्हाट, साइन ओमेगा टी, नहीं 10 साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग ये भी लिख सकते थे 10 कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखो, या तो साइन के फॉर्म में या तो कॉस के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर दो। अगर आप कॉस को रेफरेंस ले रहे हैं, कॉस माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू यानी कि क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज दिस वन एंगल पाई बाई टू, ये आपका आई हो। या अगर आप टेन साइन ओमेगा टी को ड्रॉ करना चाहते हैं देन साइन ओमेगा टी भी आपका नीचे है, सेम ग्राफ सेम फेज सेम फेजर क्वांटिटीज, है ना, इसको आप लिख सकते हैं। अगर इसका एंगल जानना हो तो 10 एंगल, सॉरी 10 बाई रूट टू एंगल
माइनस पाई बाय टू, देखो माइनस पाई बाय टू दिखा रहा है यहाँ पे, माइनस रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, क्लॉकवाइज को है ना, और प्लस एंटी क्लॉकवाइज को। इसको लिख सकते हैं 10√2 एंगल माइनस पाई बाय टू। ओके, तो जब भी फेज एंगल लिखना हो ओके, तो हम लोग हमेशा कॉस के फॉर्म में ही लिख के फेज एंगल को कैलकुलेट करेंगे। नाउ सपोज आई इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ओके, कि इसको कॉस में कन्वर्ट किए, कॉस में कन्वर्ट करके इसको लाए, उसको लाने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली इसको बना सकते हैं, साइन ओमेगा टी नीचे, ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ, प्लस 30, प्लस 30 मतलब एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉक वाइज, टेल मी, एंटी क्लॉक वाइज, ये हो गया आपका आई। अब सोचो इधर से 30 डिग्री, इधर से एंगल कितना 60 डिग्री, यानी कि इसको जो आना चाहिए था एक्चुअली, इसको आना चाहिए था 10√2 एंगल माइनस 60 आना चाहिए, क्यों, रिफरेंस से जो है हमारा 60 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम लोग, तो इसको सॉल्व करो देखो वही आएगा, इसको कॉस में बदलेंगे हम लोग, तो कॉस 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग, टेल मी कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ओके, अब इसको लोग लिख सकते हैं 10 कॉस 90 माइनस 30 60, 60 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं, इसको लिख दिए 10 कॉस ओमेगा टी माइनस 60, देखो ये आ रहा है 10√2 एंगल माइनस 60, आई थिंक नो प्रॉब्लम। अरे अलवी नहीं आ रहा है, आ रहा है नाउ। अब हम लोग अगर जो है भी इक्वल टू माइनस 5 साइन ओमेगा टी ड्रॉ करना चाहिए, तो मैंने पहले बोला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब आपको ये पता है ना, तो डायरेक्टली ये हो जाएगा भी, जहां पे ये एंगल आपका कितना है 5/2, अगर इसको रिप्रेजेंट करना तो ये क्या हो जाएगा 5/2 एंगल 5/2, ये 5/2 फेज एंगल, आई थिंक नो प्रॉब्लम। आप इसको सॉल्व करोगे जैसे हमने इसको सॉल्व किए हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस 5 को 5 साइन माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं, नहीं अगर इसको कॉस में बदलना है 5 कॉस 5/2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओके, तो ओमेगा टी प्लस 5/2, तो 5/2 एंगल 5/2 लिख सकते हैं, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट टेल मी, जस्ट राइट इन द चैट, आई थिंक नो प्रॉब्लम है ना। नाउ अब यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ फेजर क्वांटिटी को, यानी कि कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का नहीं है, है ना, हम लोग कोई भी दो वेव को कंपेयर करने के लिए इसका सबसे ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। कंपेयर करने का मतलब क्या है कि कौन सा करंट किससे लैग कर रहा है, किससे लीड कर रहा है, उसके बारे में जानने के लिए इसका यूटिलाइज करते हैं। ओके नाउ आई थिंक इसको रब करता हूं मैं, कुछ प्रॉब्लम्स है ओके, मैं पीडीएफ दे दूंगा, कुछ प्रॉब्लम्स है आप उसको देख सकते हैं ओके, आप उसको बना सकते हैं, बनाइएगा। कहता है क्वेश्चन क्या, कंपेयर द फॉलोइंग टू वेव फॉर्म्स, फर्स्ट प्रॉब्लम्स है जिसमें आपका I1 इक्वल टू I1 या भी लिख दे हम लोग, भी इक्वल टू 10 cos ओमेगा t प्लस 30 डिग्री, I इक्वल टू 20 साइन
ओमेगा टी माइनस 75 डिग्री, पूछ रहा है कंपेयर करने के लिए। ओके, आप सोचो, आप इसको कंपेयर करने के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे, दोनों को सेम फॉर्मेट में लाएंगे, है ना, दोनों को साइन या दोनों को कोसाइन फॉर्म में लाएंगे, तब आप कंपेयर करके उसमें दे बताएंगे कि ये इससे इतना फेज एंगल से आगे है या पीछे, यही करेंगे ना। जस्ट टेल मी, आप तो यही करोगे। ओके, बट ये करने की अब नीड नहीं है। देख, कॉस ओमेगा टी, ये था हमारा कॉस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ये है हमारा भी ड्रॉ हो गया भी, है ना। आई साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी ये है हमारा साइन ओमेगा टी माइनस 75, माइनस 75 यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ओके, तो ये हो गया, ये आई यहां से यहां तक 75 था और यहां से यहां तक 30, ये है ना भाई। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10/√2 एंगल 30 डिग्री, इसको लिख सकते हैं 20/√2 एंगल, आप इधर से एंगल यहां तक मेजर कर लो या यहां से यहां मेजर कर लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ओके, यहां से जब मेजर करेंगे 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री कितना हुआ 165 डिग्री क्लॉकवाइज माइनस साइन। ओके, अब सोचो ये भी अगर रेफरेंस है हमारा, तो ये यहां से इससे कितना एंगल आगे है, ये यहां से यहां 30, यहां से यहां 90 और यहां से यहां 75, 75 90 और 30, 90 30 120 195, हम लोग बोल सकते हैं ये हम लोग क्लॉक वाइज ले रहे हैं, क्लॉक वाइज में लैग या लीड, क्लॉक वाइज मतलब लैग या लीड, एनीवन टेल मी, क्लॉक वाइज मतलब लैग, वेरी गुड। ओके, और एंटी याद रखेंगे, लैग निगेटिव क्लॉक वाइज, पॉजिटिव लीड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं आई लैक्स भी बाई 195 डिग्री, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं या आप इधर से मेजर कर सकते हैं, ये यहां से यहां तक 90, ये 90 और ये कितना बच गया 15, तो 90 90 180 और 15 195, है ना। आई थिंक नो प्रॉब्लम, ये हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इससे। ओके, अब सोचो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, रब कर दूं मैं इसको। ओके, अब सोचो प्रॉब्लम है हमारे पास V1 = 5 sin ωt + 120 degree, है ना, एंड V2 है हमारा -2 cos ωt - 120 degree, इन दोनों को कंपेयर करना, कंपेयर करना यानी कि कौन सा आपका जो है लीड कर रहा है और कौन किससे लैग कर रहा है। ओके, नाउ दैट्स सो सिंपल, जो जानते हैं इसको इसको कैलकुलेट करने का और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चन। देन V2 लैग्स 120, क्या सर V2 लैग करेगा 150, V1 लैग करेगा। हेलो, कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हैं? राजू। V2 लैग करेगा कितना एंगल से बाबू? राजू देखो,
साइन ओमेगा टी नीचे है हमारा, ये साइन ओमेगा टी प्लस 120, प्लस 120 यानी कि एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक ये 90 और ये 30, ये हो गया हमारा जीरो, ये 30 डिग्री, ये है ना, यहां से 120 डिग्री। बी टू माइनस कॉस इधर है, माइनस 120 एंगल, माइनस कॉस में माइनस 120 एंगल, तो माइनस 120 यानी कि क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज ये 90 और ये यहां से यहां 120, ये क्या हो गया भी टू, तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना बचा 30। अब बताओ भी टू लैग कर रहा है या लीड कर रहा है 30 एंगल, ये भी टू लीड कर रहा है भी वन बाई 30 डिग्री। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी, जस्ट टेल मी आर नॉट, तो नहीं आ रहा है या बस ऐसे ही बैठे हो भाई क्लास, ओके ना आप लोग बताओ, आप लोग बताएंगे है ना, वी वन इक्वल टू 3 sin ωt - π/2, ω1t - π/2 एंड v2 इक्वल टू 4 sin, अपने नोट्स में लिखो कॉपी में बनाओ, ω2t + π/2। बताओ कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, दैट्स राइट इन द चैट प्लीज। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, I give you time near about 1 minute. वेरी गुड ज्योति, ओमेगा सेम नहीं है देन, देन व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, जस्ट अनम्यूट योर माइक, वेरी गुड। मैं आप लोग से भी एक्सपेक्ट कर रहा था लाइक द ज्योति है ना, हम लोग जो दो वेव को कंपेयर करते हैं वो दो वेव को हम लोग तभी कंपेयर कर सकते हैं जब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम हो, ओके, जब तक फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगा तब तक हम लोग दोनों वेव को कंपेयर ही नहीं कर सकते, देन दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, ओके, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग एंड आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, यानी कि उसमें नन ऑफ दिस ऑप्शन भी रहेगा एंड दैट इज टू इम्पोर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम।